हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी दम बिरयानी। तो गाइस उसके लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए। सो गाइस हैदराबादी दम बिरयानी के लिए हम लोगों को चाहिए मैरिनेशन के लिए सामान 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच हमने लिया है नमक टेस्ट के अनुसार, और 2 चम्मच हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 4 से 5 हमने हरी मिर्च को काट लिया है। और गाइस हमने ये प्याज को 4 प्याज लिए हैं, उनको हमने ब्राउन कर लिया है। और हमें चाहिए कुछ पत्ते पुदीने के, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, 1 नींबू का रस। तो गरम मसालों में हमने लिया है 2 तेज पत्ते, 8-10 हमने लिए हैं काली मिर्चें, 3-4 हमने लिए हैं इसमें दालचीनी, और 4 से 5 हमने लिए हैं लौंग, 1 बड़ी इलायची और 3 लिए हैं हमने सफेद इलायची, और हमने ये लिया है 1/2 किलो दही। सो गाइस अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हम इसमें आधी प्याज हम मैरिनेट में डालेंगे और आधी प्याज हम लास्ट में डालेंगे। अब हम इस पे मसाले डाल देंगे। गाइस हम हरी मिर्चें बाद में डालेंगे, इसमें हम कुछ पत्ते हरा धनिया के डाल देंगे और कुछ पत्ते हम डालेंगे इसमें पुदीने के, बाकी हरा धनिया पुदीना हम बाद में डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और ये हो गया हमारा नींबू का रस, और बाकी हमारे ये सारे गरम मसाले जाएंगे इसके अंदर, और ये डलेगा सारा दही, थोड़ा सा दही रोक देंगे। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। गाइस इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे हम। सो गाइस देखिए हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गाइस ध्यान रहे हमें बिरयानी शाम को बनानी है, इसलिए हम 3 घंटे के लिए अब रख रहे हैं। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गाइस अब हम इसे 3 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख देंगे। सो गाइस देखिए हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे तेल आने तक। तो गाइस चलिए भूनते हैं। सो गाइस हम इसको भून लेते हैं। इसको हम तेल आने तक भूनेंगे। देखिए इसमें हल्का हल्का तेल आने लगा है, अभी हम इसे थोड़ा सा और अभी भूनेंगे, अभी सही तरीके से नहीं आया है तेल। सो गाइस इतने हमारा चिकन भुनता है, इतने हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़े से गरम मसाले, 2-4 लौंग, दालचीनी, गरम मसाला डाल दिया हमने इसमें, 2 पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से हरा धनिया के पत्ते, और इसमें हम तेल डालेंगे ताकि हमारे चावल चिकने रहें। सो गाइस देखिए हमारा पानी भी उबल चुका है और हमारा इसमें रंग भी कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। गाइस ध्यान रहे हमें चावल सिर्फ 2 मिनट ही पकाने हैं। गाइस ये हमारे सेला चावल हैं, इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब हम इनको 2 मिनट पका लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे
और गाइस ध्यान रहे हमें सिर्फ इसे 2 मिनट ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम इसको बाद में दम करेंगे। देखिए अब हमारे इसमें तेल आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। सो गाइस लेयर के लिए हम पहले चावल डालेंगे, चिकन हम बाद में डालेंगे। तो हम चिकन निकाल दे रहे हैं। सो गाइस देखिए हमने इसे थोड़ा सा मसाला रोक लिया है, इसमें हम अपनी हरी मिर्च डाल के भून लेंगे। 2 से 4 मिनट लगेंगे इसे भूनने में, इसको हम भून लेते हैं। गाइस देखिए हमारी हरी मिर्च भी हो गई है, अब हम निकाल लेते हैं। सो हम इसका थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, इसको हम फ्लेम में लगाएंगे। सो गाइस देखिए हमारे चावल होने लगे हैं, अब हम थोड़े से चावल अपने भगोने पे डाल लेंगे। बाकी के चावल को हम 10 से 15 मिनट और पकाएंगे क्योंकि हमारे ये सेला के चावल हैं। अब हम इसमें फ्लिंग लगाएंगे अपनी, इसमें अब अपनी फ्लिंग लगाएंगे। सो गाइस देखिए हमारे चिकन की फ्लिंग लग गई है, अब हम इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे अपनी, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम इसमें, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पुदीना, और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अपना प्याज का बचा हुआ ऑयल। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम अपना निकाला हुआ पानी। अब हम इसमें अपनी दूसरी लेयर लगाएंगे। अब हम अपनी चिकन की फिलिंग करेंगे। अपनी प्याज की फिलिंग लगाएंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, फिर से थोड़ा सा अपना ऑयल डालेंगे। अब बाकी थोड़ा सा हम इस पर अपना पानी डालेंगे। अब हम अपनी थर्ड लेयर लगाएंगे। अब हम अपनी थर्ड लेयर लगाएंगे, ये हमारी लास्ट लेयर है। सो हमारी थर्ड लेयर भी लग चुकी है, अब हम इस पर फिलिंग कर देंगे अपनी। अपना पुदीना और हमारा हरा धनिया, और हम इसमें डालेंगे अपना ऑयल। और डालेंगे इसमें हम बाकी का बचा हुआ पानी अपना। सो गाइस देखिए हमारी फिलिंग तैयार है, अब हम इसमें कलर डालेंगे। कलर में हमने थोड़ा सा लिया है केवड़ा, अब हम इसको डाल देंगे। अब हम इसको 5 मिनट फुल फ्लेम पर पकाएंगे कपड़े से ढककर। कपड़े को हमने गीला कर लिया है, और कपड़ा हमने इसलिए ढका है ताकि हमारी भाप बाहर ना निकले। तो हम 5 मिनट पकाएंगे तेज फ्लेम पे, फिर उसके बाद हम आधा घंटा कर देंगे गैस को स्लो। अब हम अपना तवा को गर्म कर लेंगे खूब अच्छे तरीके से। देखिए हमारा तवा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, इसके ऊपर अब हम अपना भगोना रख के बिरयानी को दम करेंगे। अपनी गैस को हम स्लो कर देंगे, और तवे के ऊपर हम अपना भगोना रख के 10 से 20 मिनट को हम इसमें दम करेंगे। गाइस देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है, अब हम इसको सर्व करते हैं।